तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिरजस मोरा और आपका स्वागत है टॉपिंग एंड ट्रिक चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 8 जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ऑफ ईबीसीएल। सो सीएस एग्जीक्यूटिव का हमने 5 लेसन ही केवल लेफ्ट कर रखा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, इसलिए हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सिक्स, सेवन। अब नाउ इट्स टाइम टू सेकंड चैप्टर लेसन 8, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता क्या है? बोरोइंग का मतलब को पता चल गया कि उधार लेना, बोरो करना पैसा, ठीक है। अब एक्सटर्नल कमर्शियल, किसी रेजिडेंट पर्सन को अगर इंडिया से पैसा नहीं मिल पाता है अपने बिजनेस चलाने के लिए, सो वो आउट ऑफ इंडिया ट्राई करता है किसी पर्सन से बोरो करने के लिए, पैसा बोरो करता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इन सिंपल में। सो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग आर गवर्न बाय द क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब क्या बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन अगर करना है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोन में, तो वो गवर्न होता है सेक्शन डी, सॉरी क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1996। नाउ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग फ्रेमवर्क एनेबल अ परमिट अ रेजिडेंट एंटिटी टू बोरो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग किसी रेजिडेंट एंटिटी, कोई भी कंपनी है इंडिया की, उसे एनेबल करता है, उसे परमिट करता है कि वो बोरो कर सकता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी, किसी बाहर की कंपनी से वो बोरो कर सकता है मनी। नाउ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग आर द कॉमर्शियल लोन रेज बाय एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी एंड शुड कंफर्म टू पैरामीटर सच अ मिनिमम मैच्योरिटी परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड इशू मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सेलिंग एक्सेट्रा। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग आर द कॉमर्शियल लोन, एक तरफ का लोन होता है जो रेज मतलब लिया जाता है एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी से, जो एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी होती है उनकी अलग कंडीशन होती है, उन्हें हम एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी कहते हैं, फ्रॉम रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटी एंड सुन कंफर्म द पैरामीटर सच द मिनिमम मैच्योरिटी, और वो अपने पैरामीटर कंफर्म करते कि कितना लेना है, कितने साल तक के लेना है, कितने लिए और किस किस चीज के लिए परमिट और नॉर्मल परमिट है ये बोरोइंग। नाउ फ्रेमवर्क की बात करते हैं। फ्रेमवर्क फॉर द राइजिंग लोन थ्रू द ईपीसी ईसीबी कंप्राइज द फॉलोइंग टू ऑप्शन। हम फॉरेन एक्सचेंज कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन सॉरी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हम दो तरीके से ले सकते हैं। पहला फॉरेन करेंसी डिनोमिनेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इंडियन रुपीस डिनोमिनेशन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर चाहते हैं हम तो हम जो इस कंट्री से ले रहे उसके कंट्री के पैसे में ले सकते हैं, जैसे अगर बात करें यूएसए की किसी कंपनी से ले रहे हैं तो डॉलर चलता है वहां पे, सो डॉलर में हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले सकते हैं, या फिर हम उसे इंडियन रुपीज के में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इशू करवा सकते हैं। नाउ करेंसी ऑफ बोरोइंग एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपीज फॉर्म ऑफ ईसीबी लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन, फ्लोटिंग फिक्स रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ट्रेड कैरिड बियॉन्ड 3 ईयर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड एंड फाइनेंशियल लीज। इन तरीकों में फॉर्म ऑफ ईसीबी, इन इन तरीकों में हमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मिल सकता है, या वो लोन हो सकता है, फ्लोटिंग डिवेंचर हो सकती है, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट हो सकती है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड एंड फाइनेंशियल लीज में मिल सकता है। इट मे बी नोटेड दैट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड रिफर टू फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट विच आर इशू इन अकॉर्डेंस विद द इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू द डिपॉजिटरी रिसीव मैकेनिज्म स्कीम 1993 एज अ मैंडेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम इश्यूअर्स ऑफ ईसीबी शैल बी कंफर्म अदर एप्लीकेबल रेगुलेशन फॉर द फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड बॉन्ड शुड बी विदाउट एनी वारंटेड एज। जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होगा वो इशू करा जाएगा थ्रू द करेंसी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑर्डिनरी शेयर डिपॉजिट मैनेज स्कीम 1993 के अकॉर्डिंग। नाउ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड रिफर टू फॉरेन करेंसी डिनोमिनेट इंस्ट्रूमेंट विच इशू अकॉर्डिंग विद द इशू ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड स्कीम 2008।
और जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू कराया जाएगा वो अकॉर्डिंग विद द इशू ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड स्कीम के अकॉर्डिंग ही करा जाएगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं इंडियन रुपीज में। अगर हमें इंडियन रुपए में चाहिए तो लोन के कितने फॉर्म होंगे, फॉर्म इसे भी कितने होंगे, लोन इंक्लूडिंग अ बैंक लोन, लोन फ्लोटिंग फिक्स रेट नोट्स बॉन्ड्स डिवेंचर प्रिफरेंसेस और अदर देन फुली एंड कंपलसरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड द थ्री एंड फाइनल लीज। आल्सो प्लेन वनीला रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू ओवरसीज व्हिच कैन बी एट द प्लेस प्राइवेटली और लिस्टेड ऑन एक्सचेंज पर द होस्ट कंट्री रेगुलेशन, वो लोन भी इशू कर सकते हैं, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट नोट्स बॉन्ड डिवेंचर इशू कर सकते हैं एंड प्रिफरेंसेस बट अदर देन फुली एंड कंपलसरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट जो डिवेंचर और प्रिफरेंस शेयर है जो फुली एंड कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं उन्हें छोड़ के वो इशू कर सकते हैं कोई भी बैंक कोई भी प्रिफरेंस शेयर्स। अब बात आती है प्लेन या वनीला रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते क्या है। सो यहां मैंने नोट्स लिख रखा है, प्लेन वनीला बॉन्ड हैविंग अ फिक्स्ड कूपन पेमेंट एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड इंटरवल विद अ प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी। ये एक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो इशू करे जाते हैं फिक्स कॉमन पेमेंट प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड इंटरवल विद अ प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी, कितने साल के लिए कितने प्राइस में, ये एक तरफ के बॉन्ड होते हैं। नाउ आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एलिजिबल बोरोर, कौन कौन कंपनी बोरो कर सकती है। नाउ ऑल eligible entity to receive foreign direct investment for the following entity are also eligible to raise ECB. Post trust, जितने भी trust है वो unit in SEZ, special economic zone में जितनी भी units है वो raise कर सकते हैं ECB. SIDB, small Indian deposit, Indian Development Bank of India, वो issue कर वो raise कर सकते हैं ECB. Exim Bank of India, Export Import Bank of India, वो रेज कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कमर्शियल बोरिंग। नाउ ऑल एंटिटी एलिजिबल टू रेज फॉरेन करेंसी एंटिटी, ये लोग तो कर ही सकते हैं इंडियन रुपीस में ऑस्ट्रेलियन कमर्शियल बोरिंग। देन अदर और रजिस्टर्ड एंटिटी एंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, रजिस्टर्ड नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉपरेटिव एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी इंडियन रुपीज में रेज कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कमर्शियल बोरिंग। नाउ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन है जो इंडियन रेजिडेंट को एलिजिबल रेजिडेंट को पैसा बोरो कर सकता है, उनकी बात करते हैं, उन्हें बोलते हैं लेंडर जो पैसा बोरो देता है। द लेंडर शुड बी द रेजिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन कंप्लेन कंट्री इंक्लूडिंग एंड ट्रांसफर ऑफ ECB। अगर जो पर्सन इंडियन एंटिटी को बोरो लेंडर पैसे दे रहा है एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वो रेजिडेंट होना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का। नाउ मल्टीलेटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री विल बी आल्सो बी कंसीडर्ड रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, जो मल्टीलेटरल अनरिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उन वो भी कंसिडर करे जाते हैं एज अ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। इंडिविजुअल एज अ लेंडर कैन ओनली परमिट इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर और फॉर स्कीम्स ऑफ बोन शेयर्स लिस्टेड अबाउट। इंडिविजुअल एज ए लेंडर वो तभी परमिट करे जाएंगे अगर वो किसी फॉरेन इक्विटी होल्डर हो या फिर सब्सक्रिप्शन हो बॉन्ड डिवेंचर लिस्टेड अबॉर्ड कंपनी का, तभी ही वो किसी लेंडर कहा जाएगा रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। इंडिविजुअल की बात करें तो फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक आर परमिटेड रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ओनली फॉर फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अगर कोई इंडियन कंपनी के सब्सिडरी या फॉरेन ब्रांच है आउट ऑफ इंडिया सो वो परमिट कर सकते हैं इसे भी एक्सेप्ट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल। एग्जांपल लेते हैं जैसे SBI के कुछ ब्रांचेस या सब्सिडरी बोले जाए तो आउट ऑफ इंडिया है, अगर चाहे कि हम इसे भी ले सके उनसे तो उनसे इशू करवा सकते हैं इसे भी, मगर हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू नहीं करवा सकते। नाउ मिनिमम एवरेज पीरियड मैच्योरिटी पीरियड, किसी भी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को हम कितने साल तक में पे करना होता है उसकी बात करते हैं।
मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड फॉर ईसीबी विल बी 3 ईयर. जो मिनिमम होता है, मिनिमम मतलब मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे 3 ईयर का होना चाहिए. इतने साल के अंदर आपको ईसीबी वापस दे देना है. हाउएवर फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन बिलो द मिनिमम एवरेज पीरियड एज एज अंडर. अगर ईसीबी रेज करे जा रहा है बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप टू $50 million और इक्वलेंट टू पर फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होगा. अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया अगर वो अप टू $50 million तक ईसीबी रेज कर रही है, सो उसे 1 ईयर के अंदर उसे दे देना होगा, इससे कम नहीं हो सकता. ईसीबी रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, ईसीबी रेज फ्रॉम द फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फॉर रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन. सो दैट इज मिनिमम पीरियड एवरेज, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड विल बी 5 ईयर. इट मे बी नोटेड दैट ईसीबी कैन बी नो कैन बी कैन नॉट बी रेज फ्रॉम द फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडियरी ऑफ इंडियन बैंक. द प्रिस्क्राइब एम विल बी द स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. नाउ ईसीबी रेज फॉर अ वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अप टू 10 ईयर. मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? 10 ईयर का होगा. रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन एंड अवेलेबल डोमेस्टिक फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर द सेम पर्पस, देन बी मिनिमम पीरियड, मिनिमम एवरेज पीरियड 7 ईयर. नाउ लास्ट, ईसीबी रेज फॉर द रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन अवेलेबल डोमेस्टिक फॉर पर्पस ऑफ अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लैंडिंग बाय योर सेम पर्पस, देन बी विल बी 10. कोई भी रेस करा जा रहा है किसी कंपनी द्वारा फॉर द रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन, हमने लोन ले रखा है इंटर रूपी में, उसके रिपेमेंट के लिए करा जा रहा है, उसके लिए करा जा रहा है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड हमारी 10 ईयर के होना चाहिए. नाउ ऑल इन कॉस्ट सेलिंग पर एनम, ऑल इन कॉस्ट सेलिंग पर एनम इज द बेंचमार्क रेट प्लस 450 BPS स्प्रेड. अब ये होता क्या है? इट मे बी नोटेड दैट ऑल इन कॉस्ट इंक्लूड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर फी, एक्सपेंस चार्जेस, ग्रांटी फी, ईसीए चार्जेस वेदर पेड इन फॉरेन करेंसी और इंडियन, बट विल नॉट इंक्लूड कमिटमेंट फी विद होल्डिंग द टैक्स पेबल इन ईयर. ऑल इन कॉस्ट सेलिंग पर एनम बेंचमार्क रेट इज प्लस 450 BPS स्प्रेड. ये अलग से जब एक्सटर्नल कॉमर्स से बोरिंग होते तब निकाला जाता है. सो ये जो ऑल इन कॉस्ट सेलिंग पर एनम है, इनमें क्या क्या इंक्लूड करा जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर फी, एक्सपेंस चार्जेस, ग्रांटी फी, ईसीए चार्जेस, वेदर पेड इन फॉरेन करेंसी और इंडियन, बट विल नॉट इंक्लूड कमिटमेंट फी और विद होल्डिंग टैक्स पेबल इन INR, इंडियन रुपीज, उसे हम एक्सक्लूड करते हैं और सबको इंक्लूड करते हैं ऑल इन कॉस्ट सेलिंग में. नाउ एंड यूजेस नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट फॉर विच ईसीबी प्रोसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड वुड इंक्लूड. अगर हम कोई भी रेस कर रहे हैं ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड, तो हम इन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. नाउ कौन कौन से? रिटेल स्टेट एक्टिविटी, अगर रिटेल स्टेट से एक्टिविटी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, उन सब से हम रियल इस्टेट एक्टिविटी से है, उन सब के लिए हम रेज नहीं कर सकते ईसीबी. इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, अगर हमने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है उसके लिए हम रेज नहीं कर सकते. इक्विटी इन्वेस्टमेंट, किसी शेयर्स, किसी कंपनी की इक्विटी हमें परचेस करना है उसके लिए हम नहीं कर सकते. वर्किंग कैपिटल पर्पस, वर्किंग कैपिटल के लिए जो हम रेज कर रहे हैं वो हम रेज नहीं कर सकते. नाउ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन ऑन लैंडिंग टू एंटाइल फॉर द अबव एक्टिविटी, इन सब के लिए हम इसी भी रेस नहीं कर सकते. ये है नेगेटिव लिस्ट. नाउ एक्सचेंज रेट, चेंज ऑफ करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसी ईसीबी इंडियन रूपी ईसीबी कैन बी द एक्सचेंज रेट प्रिवेल ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट फॉर सच चेंजेस बिटवीन द पार्टी कंसर्न एट exchange rate which is a less than rate prevailing on the date of agreement inconsolable by ECB lender. For conversion to rupee, the exchange rate shall be the rate prevailing on the date of settlement. जिस दिन हम अपना agreement बना रहे external commercial borrowing का, उसी दिन ही हमारा पता हो जाना चाहिए कि कितना रेट एक्सचेंज रेट लगेगा और क्या क्या कंडीशन होने चाहिए. नाउ हेजिंग फंड प्रोविजन,
The entity raising ECB are required to follow the guideline for hedging issue, if any, by the concerned sector or prudent regulator in respect of foreign currency export. Hedging provision होता क्या? अभी hedging provision एक तरफ का hedging मतलब होता है कोई fund collect करना किसी purpose के लिए, ठीक है? और ये जो भी external commercial होते हैं उन्हें अपने अपने को एक hedges provision एक बनाना पड़ता है hedging fund और उसमें अपना पैसा रखना पड़ता है। अब वो कितना रखना पड़ता है इसकी बात करते हैं। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनी सेल बी हैव द बोर्ड अप्रूव रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द सच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी हेज 70% ऑफ देयर एक्सटर्नल कमर्शियल एक्सपोर्ट इन केस ऑफ एवरेज मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 5 ईयर। अगर कोई कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनी है वो अपनी हेज फंड जो होगा वो 70% जितना ईसीबी है उसका 70% वो हेज फंड में रखेगी और उसकी एवरेज मैच्योरिटी फंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 5 ईयर होनी चाहिए तभी वो 70% अपना रखेगी हेज फंड में। द डेजिग्नेटेड आईडी कैटेगरी वन बैंक शैल वेरीफाई दैट 70% हेजिंग रिक्वायरमेंट इज कंप्लाई विद द ड्यूरिंग करेंसी ऑफ ईसीबी एंड रिपोर्ट द पोजिशन टू आरबीआई थ्रू फॉर्म ECB2। जब अपना हेजिंग फंड 70% रख दिया जाएगा तो एडी कैटेगरी वन बैंक वेरीफाई करेगी कि 70% है कि नहीं और वेरीफाई करने के बाद वो आरबीआई को रिपोर्ट करेगी इनफॉर्म ECB2। नाउ लिमिट लीवरेज ऑल एलिजिबल बोरोर कैन रेज ईसीबी अप टू US$705 million or equivalent per financial year under the automatic route. Further, in case of foreign currency denominated ECB raised from foreign direct foreign equity holder, ECB liquidated equity ratio for the ECB raised under the automatic route cannot exceed 7.7:1. जितने भी eligible borrower हैं, वो raise कर सकते हैं up to 750 million US dollar equivalent. बट इन पर ईयर पर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ऑटोमेटिक रूट मतलब इन्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मगर इन केस ऑफ अगर हम फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अगर ईसीबी रेज कर रहे हैं फ्रॉम द डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर से तो ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो जो ईसीबी लायबिलिटी और इक्विटी रेशियो है वो 7:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ However, the ratio will be not applicable if outstanding amount of all ECB, including the proposed one, is the up to US$50 million or ये रेशियो एप्लीकेबल नहीं होती अगर 7:1 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी अगर प्रपोज रेज ईसीबी है वो 5 million US dollar या फिर उससे इक्वलेंट होगी। नाउ इश्यूएंस ऑफ गारंटी एक्सेट्रा बाय इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन issuance of any type of guarantee by Indian bank all in india financial institution and NBFC related to ECB not permit koi bhi indian bank indian or all indian financial institution or non banking financial company related to ECB wo issue nahi kar sakti guarantee no parking of ECB proceed ECB proceed are permit to be parked abroad as well as domestic in the manner given below parking of ECB proceed abroad ECB proceed meant only for foreign currency expenditure can be parked abroad pending utilization till utilization this fund can be invested in falling liquid assets jo hum abroad se apna raise karenge ECB wo jis purpose ke liye laya gaya usi purpose ke liye use hona chahiye then और जो बच गया उसे हम इन्वेस्ट करेंगे फॉलिंग लिक्विड डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और अदर प्रोडक्ट ऑफर बाय बैंक रेटेड नॉट लेस देन 1AA- बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर फिच IBSA A3 मॉडिफाई देन ट्रेजरी बिल एंड अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड एंड डिपॉजिट विद द फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक एंड अबाउट पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड डोमेस्टिक ECB प्रोसीड मीन फॉर रुपीस एक्सपेंडर शुड बी रिप्रेटेड पेट्रिएट इमीडिएटली फॉर क्रेडिट टू देयर रुपीज अकाउंट विद द एडी कैटेगरी वन बैंक जो हम ECB रेज करेंगे डोमेस्टिक में वो जितनी हो सके उतनी जल्दी रिपेट्रिएट कर लेंगे इमीडिएटली अपने क्रेडिट रुपीज अकाउंट में विद द एडी कैटेगरी वन बैंक इन इंडिया। प्रोसीजर की बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ रेजिंग ECB ऑल ECB कैन बी रेज अंडर द ऑटोमेटिक रूट
हम ऑटोमेटिक रूट के अंदर हम इसी भी रेज कर सकते हैं, हमें भी कोई भी अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर आरबीआई की जरूरत नहीं होती। कंफर्म टू पैरामीटर प्रिस्क्राइब अंडर दिस फ्रेमवर्क फॉर द अप्रूवल रूट केस द बोरोइंग में अप्रोच बोरोस दे अप्रोच द आरबीआई विद एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर्मेट ईसीबी फॉर एग्जामिनेशन थ्रू देयर एडी कैटेगरी वन बैंक सेल सच केस शैल बी कंसीडर्ड इन व्यू ओवरऑल गाइडलाइन माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड मेरिट ऑफ स्पेसिफिक प्रपोजल। जितने भी अगर पर्सन जो रेज करना चाहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वो फॉर्म भरेंगे एडी कैटेगरी वन बैंक को और वो बैंक क्या करेगी अप्रोच करेगी आरबीआई को। नाउ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमें ईसीबी रेस करने के लिए। बोरिंग अंडर द ईसीबी फ्रेमवर्क आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम द एनी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द फ्रेमवर्क लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये लोन रजिस्ट्रेशन नंबर होते क्या, एनी ड्रॉन डाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईसीबी शुड हैपन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द एल आर एन लोन रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक। टू ऑब्टेन द एल आर एन बोरो आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्यूली सर्टिफाइड फ्रॉम ईसीबी which also contain term and condition of ECB in duplicate designated AD category bank one। कोई भी borrower अगर चाहता है कि वो raise करे ECB, so उससे पहले RBI से loan registration number obtain करना पड़ेगा, inform ECB। Now Department of Certification in Information Management through revised form CB at least earlier in any year not less than 7 days from the change effect while submitting revised form ECB the change should be specified mentioned in the communication। अगर किसी को अपने ECB में चेंज करवाना है तो उसे 7 days के not later than 7 days from the change affected, जब से उसे change affected उसके 7 days से पहले उसे करवा लेना है from the Department of Statistics and Information Management। Now monthly reporting of actual transaction, the borrower required to report actual ECB transaction through the form ECB to return through the AD category bank on monthly basis। जब एक borrower अपना raise करता है ECB उसे report देनी पड़ेगी about external commercial transaction in form ECB to return through the AD category bank one monthly basis में। अब बात करते हैं standard operation procedure for the untraceable entity, the following standard option process has to be followed by the designated AD category one in case of untraceable entity who are found to be contravention of reporting provision for ECB by failing the submit prescribed return either physically or electronic for a past year or more। koi bhi entity jo apne return and monthly basis jo return bhanna tha एडी कैटेगरी बैंक वन को अगर वो नहीं करती तो स्टैंडर्ड ऑप्शन प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटिटी में काउंट गिनी जाएगी। नाउ एनी बोरोर हु हैज रेज ईसीबी विल बी ट्रीटेड एज अनट्रेसेबल एंटिटी इफ एंटिटी ऑडिटर और डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ एनी एंटिटी आर नॉट रीचेबल रिस्पॉन्सिबल रिप्लाई नेगेटिव ओवर द ईमेल और लेटर फोन और फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 quarters विद द डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन रिमेन अन नंबरिंग 6 or more than fulfill both following condition, entity not found to operate it at register of its address as a record available with the AD category bank, not found the operate during the visit by official AD bank or any other agency authorized by AD bank for the purpose, entity have not submitted strategy audit certify 2 years, the following action are taken in respect of untraceable entity। अब अगर कोई भी entity अगर वो फाइल नहीं करती टू एनुअली बेसिस टू द रिटर्न ऑफ रिपोर्ट टू द एडी कैटेगरी वन बैंक, ठीक है, और अपने उसके कोई भी एंटिटी ऑडिटर डायरेक्टर प्रमोटर नोट अगर वो रीचेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, कहते कि हमने किसी नहीं करा, फिर अगर वो कोई भी गलती करते हैं तो उनके लिए या फिर अनट्रेसेबल एंटिटी के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। पहला फाइल रिवाइज फ्रॉम द ईसीबी इफ रिक्वायर्ड एंड लास्ट फॉर्म ईसीबी रिटर्न विदाउट certification from the company with the untraceable entity, उन्हें untraceable entity written in bold on the top कहा जाएगा। No fresh ECB application by entity should be examined proceed by the ADCO। और कोई भी ECB raise नहीं कर सकता वो untraceable entity। Now director of information should be informed whenever any entity designated, कोई भी untraceable entity है उसको उस डेजिग्ने उसके लिए उसके बारे में डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को इन्फॉर्म करा जाएगा।
नो इनवर्ड रेमिटेंस और डेब्ट सर्विंग विल बी परमिट, कोई भी इनवर्ड रेमिटेंस और डेब्ट सर्विस नहीं मिलेगी अनट्रेसेबल एंटिटी। नाउ कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, अगर कोई भी चाहता है कि अपनी ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इंक्लूडिंग दोस विच आर मैच्योर बट अनपेड इनटू इक्विटी इज परमिटेड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई भी चाहता है कि उसकी ईसीबी हो जाए इक्विटी में चेंज, वो अगर मैच्योर हो गई है मगर अनपेड नहीं है, जैसे कोई कोई होता है 3 ईयर के लिए मिनिमम या फिर जितने ईयर के लिए मिला है उतने में वो नहीं कर पाते, सो उन्हें हम इक्विटी में चेंज कर देते हैं। मगर क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी ऑफ बोरिंग कंपनी इज कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिसीव। हर एक्टिविटी के लिए वो ऑटोमेटिक रूट में होनी चाहिए, फॉर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट अप्रूवल उसे रिसीव होना चाहिए। नाउ एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइन फॉर शेयर आर कंप्लाई, जो शेयर्स की प्राइस होगा एप्लीकेबल है सही तरीके से करेगी है, इनके सो फाली और फुल पार्शली और फुल्ली कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी द रिपोर्टिंग टू द रिजर्व बैंक विल बी एज अंडर। कोई भी पार्शली या फुल्ली कन्वर्ज हो रहा है ईसीबी इनटू इक्विटी में, हम आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे इन फॉर्म कन्वर्टेड इन फॉर्म एफजीएफसी जेपीआर में, और फुल्ली कन्वर्जन के लिए अगर पार्शियल कन्वर्जन हो रहा है तो एफ फॉर्म एफसीसीपीआर में, अगर फुल्ली कन्वर्जन हो रहा है तो एफसीपीआर में, एंड कन्वर्जन इनटू इक्विटी फेसेस रिपोर्टिंग द एफसीआर एंड ईसीबी टू रिटर्न विल आल्सो बी फेस। नाउ इफ द बोरो कंसर्न हैज अवेलेबल अदर क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूडिंग द फॉरेन ब्रांच सब्सिडी ऑफ इंडियन बैंक, द एप्लीकेबल प्रोलिन गाइडलाइन नॉर्म इशू बाय डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग गाइडलाइन रेजिंग आर कंप्लाई। अगर कोई भी रेज कर रहे हैं और कोई भी अदर क्रेडिट फैसिलिटी करी जा रही है फ्रॉम द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, सो उसे हर एक प्रोडेंट नॉर्म गाइडलाइंस इशू बाय डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन रिजर्व बैंक उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। नाउ कंसेंट ऑफ अदर लेंडर, इफ एनी अदर सेम बोरो इज अवेलेबल एटलीस्ट इन्फॉर्म रिगार्डिंग द कन्वर्जन एक्सचेंज विद द लेंडर ऑफ बोरो, अगर कोई कंसेंट हो मिला अदर लेंडर से, सो उसी सेम बोरो आर अवेलेबल एटलीस्ट इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिगार्डिंग द कन्वर्जन एक्सचेंज से। नाउ सिक्योरिटी फॉर राइजिंग ईसीबी, आगे चलते हैं। अब बात करते ईसीबी फैसिलिटी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है। फॉर ईसीबी पब्लिक सेक्टर ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी कैन रेज ईसीबी फ्रॉम वर्किंग कैपिटल पर्पस विद मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड फॉर 3 ईयर फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड लेंडर अंडर द ऑटोमेटिक रूल विदाउट द मैंडेटरी हेजिंग एंड इंडिविजुअल लिमिट रिक्वायरमेंट। द ओवरऑल लिमिट सेलिंग फॉर द ईसीबी शैल बी परमिट US$10 billion और इक्विवेलेंट। कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो ईसीबी रेज कर सकती है अब टू $10 billion। अब बट मिनिमम एवरेज पीरियड क्या होना चाहिए, 3 ईयर के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं ईसीबी फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप कंपनी है उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी दी गई है। फॉर ईसीबी एडिकेट डिग्री वन बैंक आर परमिट टू अलाउ स्टार्टअप टू रेज ईसीबी अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉलोइंग फ्रेमवर्क। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, An entity recognized startup by central government on the date of raising ECB, जो startup company है वो recognized होना चाहिए by central government as a startup company. Minimum average maturity period will be 3 year, जो minimum average maturity period है वो 3 year के लिए होनी चाहिए. Recognized lender investor shall be resident of foreign action tax force comply with the country or branch subsidiary of Indian bank का होना चाहिए. The borrowing can be in form of loan or non-convertible optional converter or passive convertible shares में हो सकता है। Currency, the borrowing should be denominated in freely convertible currency or Indian rupees or combination of both of. Amount, the borrowing startup will be limited to $3 million or equivalent. वो $3 million तक borrow कर सकती है। Now All in Kausal may mutually agree between the borrower and lender. Security. Choice of security provided to lender is a left borrowing entity. Security can be nature of movable property, intangible or financial security. जो security की बात करते हैं, जब हम raise करते हैं, तो हमें security कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, वो immovable और intangible assets भी हो सकते हैं। Now, तो chapter यहीं खत्म होता है।
आज के लिए इतना काफी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।